टाइम चल रहा है यहाँ पे लॉकडाउन का, लेकिन ये बात प्रूव हो गई है कि यहाँ पे लॉकडाउन को टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकती। सॉरी उल्टा बोल दिया, टेक्नोलॉजी को लॉकडाउन रोक नहीं सकती। यहाँ पर रिसेंटली आईफोन SE 2020 लॉन्च हुआ, मतलब बिल्कुल वही पुरानी बॉडी नया माल, लेकिन उसके एक आध दिन पहले यहाँ पे वन प्लस 8 और 8 प्रो लॉन्च हुआ था। अगर $999 आप स्पेंड कर रहे हो उस फोन के अंदर, क्या है इसके अंदर, वो फैक्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। जो पहली चीज जो है यहाँ पे वो ये कि 120Hz डिस्प्ले का यहाँ पे काफी टाइम से मतलब प्लस पीछे पड़ा हुआ था उसके कि 120 हर जगह यही देखने को मिलता था। फाइनली 120Hz डिस्प्ले आपको OnePlus 8 Pro के अंदर आ गई है। अगर आप ये डिस्प्ले टेक्निकल लेवल पर नहीं समझना चाहते तो आप ऐसा समझ लो कि जब आप इस फोन को काफी टाइम तक यूज करोगे तब भी आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। मतलब आप रात भर व्हाट्सएप, रात भर पबजी, रात भर चैट एंड टिंटर पिंटर जो भी करना है आप कर सकते हो। जब आप नॉर्मल फोन यूज करते हो और जब आप उसको स्क्रॉल करते हो मतलब तो उसके अंदर ना बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं, अटक के चलता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल मक्खन वाली फील आएगी। ऐसा लगेगा फोन पर मक्खन मक्खन गिरा के आप वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो। तो भाई 6.7 इंच की स्क्रीन, 3168x1440 का रेजोल्यूशन विद 513 PPI फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन, 120Hz डिस्प्ले और उसके ऊपर बहुत सारा मक्खन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस फोन को अगर आप परचेज करना चाहते हो। भाई अगली चीज है यहाँ पे पावर, और पावर और पैसा आपको पता है एक साथ चलते हैं। मतलब अगर आपको ये पावरफुल डिवाइस चाहिए तो यहाँ पे पैसा भी पावरफुल लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ आपको जो रैम मिलता है 8 और 12 GB का, LPDDR5 का रैम मिलता है। और यहाँ पे बात करें अगर स्टोरेज की तो भाई वो मिल जाता है आपको 128 और 256 GB, वो भी UFS 3.0 के साथ। मतलब डबल मक्खन हो गया, आप दो रीजन हो गए डबल मक्खन मिल रहा है आपको ये फोन परचेज करने का। टेक्निकल टर्म्स पे काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा। और बात जब आती है गेमिंग की, परफॉर्मेंस की, कन्वर्जन की, प्रोसेसिंग की, तो भाई यहाँ पे पावर हाउस आपके फोन को अल्टीमेट पावर देगा ताकि आपकी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा मतलब उभर के बाहर आए। तो ये है दूसरा रीजन। भाई इन दोनों चीजों के बाद यहाँ पे तीसरा फैक्ट आता है कि भाई कितना देती है। तो बात कर ले यहाँ पे बैटरी की, तो 4510mAh की बैटरी मिलती है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट होती है, वायर चार्जिंग भी सपोर्ट होती है। और यहाँ पे 0 से 50% अगर आपको वायरलेस पे चार्ज करना है तो 30 मिनट के अंदर होगा, और 0 से 60% अगर वायर वाले केबल के साथ चार्ज करना है तो आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे वायर और वायरलेस दोनों के अंदर मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो, बिकॉज ऑन द वे मतलब आप कहीं भी निकल रहे हो, फोन रखा आधे घंटे के लिए, फोन रेडी टू गो है। तो भाई कितना देती है के बाद अगला फैक्ट जो आता है वो ये आता है कि कितना लेता है, मतलब इसका जो कैमरा है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स ले सकता है। बात करें OnePlus की पहले की सीरीज में तो थोड़ा कैमरे में कॉम्प्रोमाइज था, वो वैसे कंपेयर तो हर टाइम आईफोन से करते हैं अपने आप को और बिल्कुल बोलते हैं कि आईफोन से भी सुपीरियर है, लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे आके बात पता लगती है कि नहीं सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी क्या है, वो वही पता लगता है। फिलहाल ऑन पेपर जो इसकी स्पेक्स है और जो कैमरे की क्वालिटी वगैरह दिखाई गई है वो काफी अपीलिंग लग रही है, और लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ धमाल होगा। और धमाल यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सोनी का जो IMX689 सेंसर है, मतलब सोनी का काफी बड़ा सेंसर है और इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट वगैरह काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो फोटो की क्वालिटी है जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखा गया है वो काफी अच्छी निकल के आई है यहाँ पे फोटोज। अब यहाँ पे बात कर ले कैमरे ऑप्टिक्स की, तो यहाँ पे 4 मतलब क्वाल कैमरा सिस्टम मिलता है आपको, 4 लेंस मिलते हैं। पहला जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 MP का है, दूसरा कैमरा जो है वो टेलीफोटो लेंस मिल जाता है 1 MP का, तीसरा जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है 48 MP का जो कि आपको 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है, और चौथा जो है वो है कलर फिल्टर लेंस जो कि आपको मिल जाता है 5 MP का। तो यहाँ पे 4 लेंस मिलके आपको मतलब बिल्कुल ऑसम क्वालिटी देंगे यहाँ पे फोटोज की, ऐसा ऑन पेपर होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और भाई आखिरी रीजन बात कर ले यहाँ पे प्रोटेक्शन की और कनेक्टिविटी की। अब बात करो यहाँ पे प्रोटेक्शन की, तो IP68 की रेटिंग मिल जाती है आपको, मतलब कि पानी में फेंको या धूल में फेंको या मतलब रेगिस्तान में ले जाके फोन को छुपा दो और हाइड एंड सीक खेल लो उसके साथ, फोन को कुछ नहीं होने वाला है। और बात करें कनेक्टिविटी की, तो भाई 5G सपोर्ट करता है फोन, वैसे इंडिया में भी 5G आया नहीं और पता नहीं कब आएगा, तो एडेप्टेबिलिटी चलती रहती है। मतलब आप लेके रखो, प्रिपेयर होके रखो तो अच्छी बात है, वैसे 5G इतना मैटर नहीं करता अभी इंडिया में। लेकिन अदर फैक्टर्स की बात करें तो वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट चीजें मिलती हैं। तो ये चीज अच्छी है यहाँ पे कि जो कनेक्टिविटी के ऑप्शन है वो काफी फास्ट है। तो यहाँ पे जो सर्फिंग है इंटरनेट की और जो आपके नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम्स है काफी हद तक वो सॉल्व होके मिलेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 5 फैक्टर थे इस फोन के लिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि ऐसे 5 रीजन कि मैं इस फोन को खरीदूं तो ये 5 फैक्टर, और मेरे ख्याल से ये 5 फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फोन को परचेस करने में। लेकिन फिलहाल ये थी सारी बातें यहाँ पे OnePlus 8 Pro के बारे में। अगर आपको ये फोन चाहिए ये तो वो सुपीरियर रीजन कि आपको ये फोन लेना चाहिए, नहीं काम के हैं तो गो ऑन विद दिस फोन, नहीं तो भाई बेच कर दो, बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना बिल्कुल अभी के अभी, और इस वीडियो को करते खत्म, आगे मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।